मेरे प्यारी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधे राधे जय माता दी आप सभी को। तो गाइस शाम की पूजा हो चुकी है, दर्शन कर लीजिए आप भी। और ये वाला मुकुट अच्छा लग रहा है इनका। तो जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो चले गाइस मिलते हो थोड़ी देर में। तो गाइस तन्नू की चिट्ठी जाएगी तो इसलिए मैं उठ गई हूँ जल्दी, और ये बेड हटा दूँगी यहाँ से, क्योंकि ये बेड मुझे वैसे भी सोनिया के रूम में रखना, क्योंकि अब जो कपड़े आएंगे इसलिए मैं बाहर नहीं रख सकती, सारे कपड़े रूम में जाएंगे, तो इसका जो वैसा सामान है वो सारा रख लूँगी मैं अपने बेड में। तो यहाँ से मैं ये वाला बेड हटा दूँगी, ये भी हटा के रख दूँगी, चिट्ठी चली जाएगी, उसके बाद मैं इसे यहाँ ऐड कर दूँगी, ये सोनिया के रूम में जाएगा। और यहाँ से वैसे मुझे दिवाली की सफाई करनी थी पर इतनी जल्दी नहीं कर पाऊँगी, तो ये सब कुछ यहाँ से जल्दी से सफाई कर दूँगी। और यहाँ से भी पर्दे वर्दे चेंज करूँगी, सारे पर्दे चेंज करने, ये सब कुछ साफ़ करना है मुझे यहाँ से। तो चले गाइस सामने के भी पर्दे मुझे चेंज करने, तो लग जाते हैं काम पे। तो गाइस आज कर दूँगी अपना रूम भी सफा, फटाफट से लग जाऊँगी सारा काम भी। ये कपड़े मैंने धोए थे परसों तो इनके भी तय लगा के रख दूँगी, और आज अपना भी रूम साफ़ कर दूँ, क्योंकि आए गया है कोई बाथरूम वगैरह जाने लगे, तो इसलिए अपना रूम साफ़ कर दूँ और यहाँ से साफ़ कर दूँ, ये साफ़ कर दूँ, आज तो लगता है पूरा दिन ही चला जाएगा। तो बस गाइस ये पर्दे वगैरह उतारने हैं मुझे, बस आज लगाऊंगी सोनिया तन्नू को साथ में, क्योंकि बेड वगैरह सरकाना तो मैं तो नहीं सरकाऊंगी, मेरी तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं चलती है, तो सोनिया तन्नू को बोलूँगी बेड सरकाएंगी और मेरे साथ लगेंगी काम में दोनों की दोनों। और आपको तन्नू का बॉक्स भी दिखाऊँगी, वो चिट्ठी वाला जो होता है जिसमें चिट्ठी जाती है, वो भी मैंने मंगवाया है तन्नू के लिए। तो चले गाइस पहले नीचे जाके झाड़ा झाड़ने के लिए आती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो गाइस बेड तो वहाँ से उठ चुका है, अब ये सारा सामान मुझे सेट करना है अपने इस वाले बेड में, क्योंकि देख सकते हो कितने सारा सामान है गाइस, कैसे करूँगी सेट। तो गाइस वाला पंखा साफ कर दिया, अब इसकी हालत देख लो कितना गंदा हो रहा है, अब इसको भी मैं सफा करूँगी। गाइस थक चुके हैं, दो पंखे साफ हो गए हैं, बेड चला गया है, कूलर मैं और तन्नू ऊपर रख के आए हैं, काफ़ी दिन से जीने पे रखा था और हालत हो गई अभी सुई ख़राब। कूलर में तो तन्नू का पैर भी दब गया, छिल गया उसका पैर, और अब मैंने तन्नू को भेजा बर्तन धोने के लिए, तन्नू कर रही है बर्तन साफ, और मैं और सोनिया गाइस एक पंखा मैंने साफ़ करा जब मैं थक गई हूँ, तो फिर दो पंखे सोनिया ने साफ करें, और अब होएगी हमारी अपना रूम भी और वॉशरूम भी साफ करें। सोनिया ने अपना रूम और वॉशरूम दोनों साफ करे हैं, और बेड रखवाने में भी सोनिया ने मदद करी है, तन्नू ने मेरी मदद करी है, कूलर और बर्तन धो रही है, किचन सारा तन्नू साफ करेगी, और अब बारी उसमें भी नौकरी दिखा रही है। ओहो ऐसे नौकर ना। तो और अब इसके बाद अगर थोड़ा सा ब्रेक लिया है, इसके बाद लगेंगे टीवी यूनिट सारी साफ करेंगे, जो छोटे छोटे प्लांट रख रखे मैंने ये सारे साफ करने हैं, फिर ये पूरा घर आवाज से लोट बेटा, पूरा घर सारा सरफ गेर के साफ करना, फिर अपना रूम साफ करूँगी, अपना रूम का बाथरूम साफ करूँगी, आज लगता पूरा दिन ऐसे चल जाएगा। चिट्ठी से एक दिन पहले कभी पूरे घर की साफ सफाई, क्योंकि अगर चिट्ठी जाती आज और मैं आज ही लगती तो शायद ना ये सफाई ना हो पाती, तो इसलिए मैं चिट्ठी से एक दिन पहले लगी हूँ, कल जाएगी तन्नू की चिट्ठी तो लग गए। और ये जो पेड़ है ये सब जीने पर जाएंगे, जीने के थे, एक दो एक रखूँगी बाकी सारे रख दूँगी जीने पे जाके। तो गाइस हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अगर सोनिया तन्नू ना हो तो मेरा क्या हो बेचारी, मेरे बस की तो इतना काम करना नहीं है। मम्मी ने अभी तक कुछ करा नहीं है, मम्मी ने सिर्फ बैग मंगा। ओ भाई साहब कितनी झूठी लड़की है, सुबह का सारा काम मैंने करा, ठीक है, कौन सा झाड़ू लगाई मैंने यार, सुबह के सारे बर्तन मैंने धोए, चाय बनाई है, दूध रखा है तुम्हारे लिए, वो तो मैंने भी करा, और फिर जितने भी बेड में मैंने झाड़ू लगाई थी। भाई तो तुम्हारा रूम है, तुम करोगे ना अपने रूम की सफाई। गाइस देख रहे हो मेरी बेटी मुझसे कैसे लड़ रही है, कही तुमने क्या करा है, सुबह की चाय झाड़ू सब कुछ मैंने करा, पोछा मैंने सुबह इसलिए लगा क्योंकि आज मुझे सफाई करनी थी इस वजह से, और फिर जितने भी बेड में कपड़े रखे हैं सारे मैंने बेड में कपड़े निकाल के अपने बेड में रखे हैं, वो वाला बेड खाली करके सोनिया के रूम में रखा है, फिर उसमें जितने भी कपड़े थे तन्नू के जो आके रखा बेटा, जो जितने भी कपड़े थे तन्नू के वो सारे मैंने उस बेड में सेट करे, तो मेहनत तो लगती है ना, मेरे बच्चे कैसे बोलते थे। हाँ बाप मैं कब मना कर रही हूँ, तू ना करा, मैं कब कह रही हूँ नहीं करा, गाइस देखो कैसे लड़ रही है मुझसे कि मैंने भी करा है। आगे करें
आगे बस 2 मिनट का ब्रेक ले ले, चीता ऐसा कर रहा है, मुझे एक कप चाय बना लो। जी मैं नहीं पी सकता गंदगी में। गाइज ये कभी गंदगी में ना खाना भी नहीं खाती है। अगर मैं ना नहाऊँ, अगर सारे घर का काम करके ना नहाऊँ ना, तो ये रोटी भी नहीं खाएगी। तो चलिए गाइज पहले चाय जब बनाऊँगी, पहले पूरे ये लिविंग रूम और डाइनिंग रूम की अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी, उसके बाद और अपने रूम की, उसके लास्ट में चाय बना के, और देखते हैं आज सोनिया कह रही मम्मी कुछ बाहर से मंगा दो, तो देखते हैं उनको 20-20 रुपये वाली कोक मंगा के फिर। हाँ, जरूर पिज्ज़ा बन जाएगा। 20-20 रुपये वाली, 20 रुपये का कोई पिज्जा बर्गर मिलता है तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो गाइस लग जाते हैं, दिखाते हो अब कहाँ की सफाई रह रही है। तो गाइस बस ये देखो, अब ये और वो वाला और लिव डाइनिंग रूम का पंखा हो गया साफ, अब ये रह रहा है, तो अब इसकी कर रहे हैं सफाई। तो चलिए गाइस, और ये सोफा हमने ऐसे रख रखा है पंखे वंखे साफ करने के लिए। मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, तन्नू सोनिया की हाइट बहुत लंबी है, सोनिया तो कर लेती है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी। तो गाइस पंखे वगैरह सारे साफ़ करने के बाद में मैं आ गई थी अब टीवी यूनिट साफ़ करने, और जितने भी प्लांट वगैरह रखे थे यहाँ छोटे छोटे, वो सब मैंने हटा दिए थे, और वो मैंने इस बार लगाने भी नहीं है, मैंने अपने रूम में लगाए हैं। और यहाँ मैंने कम से कम 3 से 4 बार 2 कपड़े चेंज करके इसको अच्छी तरह से साफ़ करा, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आती है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोनिया कर रही थी दूसरी वाली टीवी यूनिट सफाई, और मैं कर रही थी इसको। और तो गाइस यार थक गई हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा थकी। और सारे सोनिया को मैंने ये सारे प्लांट वगैरह दे दिए थे धोने के लिए, उन्हें भी धो रही थी। तो गाइस बस आज हालत इतनी ख़राब हो गई है, मैंने टीवी कर दिया था बंद क्योंकि सॉन्ग चल रहे थे, सोनिया सॉन्ग चला रही थी इसमें, तो मैंने कहा कॉपीराइट आ जाएगा, इसको बंद कर दे फिर बाद में चला लीजिए। तो अच्छी तरह से सारी दीवार वगैरह शीशे वगैरह सब कुछ झाड़ दिए हैं, अभी कोई गंदगी नहीं। मेरी दिवाली की सारी सफाई फाइनली निमट चुकी है, मुझे दिवाली पे दुख कोई सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए गाइस मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आपको। गाइस जाले वगैरह सब कुछ झड़ गए हैं, और अब हो रही है सफाई। झाड़ू लगा दी थी फिर भी देखो कितना गंद निकल रही है। और जो यहाँ के पेड़ थे ये और उस कोने के, वो मैंने बाहर रखवा दिए हैं। पहले हम लिविंग रूम का कर रहे हैं, फिर करेंगे सोफे के ड्राई क्लीन, देखते हैं कैसे होती है कि नहीं होती। तो चले गाइस सफाई कर लें अच्छी तरह से, फिर मिलते हैं। तो गाइस यहाँ बना ली मैंने चटनी, और यहाँ रखे सूखी हुई मिर्च, और मैगी बना रही हूँ, यहाँ बना रही हूँ अभी रोटी फिलहाल के लिए। और अभी देख लो मेरी किचन ऐसी फैली पड़ी है, सारा काम निपट गया, बस थोड़ा सा रह रहा है। और यहाँ बना दिया मैंने बच्चों के लिए मैगी। तो चलिए गाइस रोटी बना दूँ, हाथ मुँह धो के मैं आई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए, रोटी बना दूँ उसके बाद बाकी का काम निपटाऊँगी, जैसे कि अभी किचन फैल रही है, सोफ़ा पर कवर चढ़ाने। तो चलिए गाइस पहले रोटी बना दूँ उसके बाद बात करती हूँ। तो गाइस नीचे का सारा फर्श धो दिया है, किचन सारी साफ़ हो चुकी है, देख सकते हो। रोटी बना के मैंने गैस और तेल चिमटे सब धो के रख दिए हैं, डेकोरेशन की जितनी भी चीज़ थी सब धो दी हैं, सब लगा भी दिए हैं। सुबह तक के सारे बर्तन तन्नू ने धोए हैं, बस मैंने एक परात और एक पतीला धोया, सिंक साफ़ कर दिए। तो फाइनली किचन का भी सारा काम निमट चुका है, और टाइम देख लो गाइस 1 मिनट, अभी लाइट बंद करूँगी ना, 3:15 हो रहे हैं। तो यहाँ का भी सारा काम निमट गया है, ये भी सब सफा हो गया है, बाकी का सब कुछ बाद में दिखा दूँगी, फिलहाल बस मेरा रूम सड़ा पड़ा है, मेरे को अपना रूम साफ करना है। तो चलेगा इस यहाँ से भी सफाई कर दी, अभी 1-2 चीज़ यहाँ लगानी है, उसके बाद मिलती हूँ आपको, टाइम दिखाती हूँ आपको मैं। उफ तो गाइस टाइम देख लो 3:15 हो रहा है, और अभी खाना किसी ने नहीं खाया, बस तन्नू के पापा ने खाया, बाकी किसी ने नहीं। और अभी मेरा मंदिर रह, मंदिर तो मैंने अभी सफाई कर दी थी मंदिर की तो मुझे सफाई की ज़रूरत नहीं है। तो बस चलिए गाइस मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो गाइस मेरा रूम बस अभी झाड़ पोछ ही करी है मैंने, सारे जाले वाले झाड़े अपने, बेड वेड साफ करे हैं, टीवी यूनिट साफ करी है, और ये कपड़े हैं, लाइट जा चुकी है इसलिए अब लाइट आएगी जब लगूंगी उस कमरे में। और
देख सकते हो गाइस, दो गट कपड़ा, एक गट कपड़ा परेश के जाएंगे, ये अलमार बेड में जाएगा ये ब्लू कलर का, और ये वाले कपड़ों की लगानी है मुझे तय, और यहाँ रखी मैं चाय। और तो गाइस अपने रूम की साफ़ सफाई तो कर दी, बस अब मुझको धोना है और पानी वानी गिर के अच्छी तरह से वाइपर से साफ़ करना है और बाथरूम साफ़ करना है। और अभी फ़िलहाल चाय रखे, इसको देख लो, ये देख लो, कोई बात है इसकी महारानी की, आके बैठ गई है गोदी में। और अब बस चाय पी के कपड़ों की तह लगा देती हूँ, लाइट आती है नहीं आती कोई बात नहीं, अपने कमरे की सफाई कर दूँगी बाहर की सारी लाइट जला के। और अभी मैंने कुछ ऑर्डर कराया, सोनिया ने आज बहुत सारा काम करा है तो उसको ब्लैंकेट से कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर करा है। हाँ जो भी है, मेरे पे नहीं आता था ज़्यादा ना ओवर एक्टिंग करा करोगे ना ब्लैंकेट, हाँ क्या पटक दूंगी तो वैसा बनना है ब्लैंकेट। तो चले गाइस चाय वाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। आज तो बैठी बज गए 5 बज गए शायद, पूरे 5 बज गए, अभी मेरा ही रूम साफ नहीं होके दे रहा। अरे ये तो अच्छा है कि चलो सोनिया लग गई तो मैं दिवाली की भी सफाई हो गई। गाइस जब मेरा रूम हो जाएगा ना उसके बाद दिखाऊंगी कितना अच्छा लग रहा है। सोनिया उसको ऊपर टाक बेटा, वो देख नीचे लटक रहा है। तो गाइस मैंने कहा अपना रूम बाद में करूँगी, झाड़ू लगा दी थी मैंने अपने रूम में, तो मैं आ गई थी बाहर की तरफ क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है ना इस वजह से। तो मैंने पहले झाड़ू लगाई थी यहाँ पर, झाड़ू लगाने के बाद में बाहर मैंने टप रख रखा है एसी का पानी के लिए, उसमें जो है वो टप डेली भर जाता है तो मैं उसी के पानी से धो देती हूँ। तो मैंने उस टप को सारा रिता के सारा अच्छी तरह से घेर दिया था, और पानी यहाँ से शुरू करके उस कोने तक सारा अच्छी तरह से मैंने सफाई कर दी थी। तो गाइस फाइनली मेरा रूम भी साफ हो गया, देख सकते हो वो कोना बिल्कुल ठीक कर दिया, दवाई रखी है, बेड की चद्दर सब कुछ बिछा दिया, यहाँ से भी मैंने सारे कपड़ों की तह लगा दी है, और यहाँ से भी मैंने टीवी यूनिट अच्छी तरह से कर दिया है साफ, और चीज़ें अच्छी तरह से धो धा के लगाई हैं, यहाँ पर टीवी भी साफ़ कर दिया है, देख सकते हो यहाँ मैंने तौलिया टाक दी है। तो गाइस बाथरूम भी अच्छी तरह से मैंने कर दिया, और यहाँ अपना मिनर शीशा साफ कर दिया। आज गाइस थक गई हूँ, तो गाइस देख सकते हो बाथरूम की टाइल वगैरह सब कुछ, सीट वगैरह सब कुछ साफ करी है, बाल्टी धोई है, और टाइम भी देख लो गाइस 7 बज गए, अभी मेरा थोड़ा सा काम हो रहा है उसे और निपटाऊँगी। तो चलिए गाइस ये वाला रूम बिल्कुल मैंने दिखा दिया है आपको, लाइट ऑफ कर देते हैं फालतू की, तो देख सकते हो सब कुछ बढ़िया। तो अब आ जाते हैं लिविंग रूम में, सुध की बैठो मैडम मेरा क्या। तो गाइस बोला तो यहाँ पे आले पर्दे लगा दिए हैं, ये नीचे ऑफिस में थे तो ये आले पर्दे मैंने यहाँ ऐड कर दिए, यहाँ जो पेड़ था वो हटा दिया है तो सोनिया ने कराई है, यहाँ सोनिया को पसंद आया है। तो गाइस ये देख सकते हो मैडम बैठी है यहाँ पे, ये यहाँ से सब जाले वाले झाड़ दिए, पंखे मैंने और सोनिया ने साफ करे, और इनके भी मैंने कवर चेंज कर दिए हैं, हट जाएंगे को आ जा। तो गाइस देख सकते हो एक मिनट, अब देखो यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है, ये वाइट पर्दे ना एकदम रूम ऐसा हो गया, कितना बड़ा बड़ा रूम है। अब आते हैं इधर की साइड, तो गाइस तो यहाँ भी मैंने ये 2-3 प्लांट है ये लगा दिए, साइकिल है ये हटा दूंगी अभी, इस पर मैंने थोड़े से ये गीले हैं इसलिए मैंने साइकिल के ऊपर रख दिए हैं, ये कमरे में जाएंगे, यहाँ ये वाला पर्दा लगा दिया, वाइट एक पर्दा था नहीं तो मैंने ब्लू लगा दिया, वाइट लेके आऊँगी जब जाऊँगी। तो गाइस देख लो सुबह 8:30 बजे के लगे ये टाइम हो गया, तो चलिए गाइस नहा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। तो गाइस हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब क्योंकि सुबह की 8:30 बजे की लगी हुई हूँ, अब मानो तो अब निपटी हूँ, अभी भी नहीं निपटी हूँ समझो, अगर खाना वाना रह रहा अभी तो बस अब नहा लेती हूँ, नहा के पूजा कर लेती हूँ, और बाहर की भी मैंने सारी बाहर का भी सारा गर्दन में दर्द हो रहा है इस कमर में गर्दन में, बाहर का भी मैंने पूरा उस कोने तक सफाई करी है, धो दिया है, और शीशे वगैरह बाहर के सारे साफ कर दिए हैं मैंने। तो 7:15 होने, बर्तन वर्तन अब नहा लूँ पूजा कर लूँ, उसके बाद बर्तन धोऊंगी, चाय बनाऊंगी अपने लिए फिर से, चाय पी के जब देखूंगी खाने में क्या बनाती हूँ गाइस, क्योंकि तन्नू की चिट्ठी जानी थी कल, तो इसलिए पहले तो मैं कल ही सोची थी कल सफाई करूँगी, फिर सोचा नहीं आज ही कर लेती हूँ, अच्छा हुआ मैंने आज ही कर ली, नहीं कल तो मैं पूरे दिन लगी रहती है फिर घर में गंदगी सी रहती तो अच्छा नहीं लगता। तो कल जाएगी तन्नू की चिट्ठी और ये ब्लॉग मैं घेर दूँगी कल,
और चिट्ठी वाला ब्लॉग पहले तन्नू गिरे फिर बाद में मैं गिरूंगी। तो चलेगा इस नहाए आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको, सकल साफ सुथरी कर जाती हूँ। तो गाइस शाम की पूजा हो चुकी है, नहा धो के आ चुकी हूँ और जो अच्छे हो रहे हैं मेरे खूब बड़े हो रहे हैं जो भी, तो लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए माता माता रानी के, मेरे लड्डू गोपाल जी के सबके। तो चलिए गाइस, तो गाइस नहा के आ चुकी हूँ, 8 बज चुके हैं पूरे, 1 घंटा लग गया मुझे और जोत बाती होगी, आटा कर आई हूँ, अब आई हूँ किचन में, अब जो बर्तन पड़े पहले उन्हें धो देती हूँ, फिर आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो चलिए गाइस बर्तन वर्तन धो लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस तेल चढ़ा दिया, हो चुका है, यहाँ मैंने आलू काट लिए हैं, यहाँ मैंने सुबह चटनी बनाई थी टमाटर की और लाल मिर्च की, तो ये भी सब्जी में गिर और यहाँ सारे मसाले और मटर रखे हैं वहाँ। तो चलिए गाइस सब्जी बना लेती हूँ, मिलती होगी। तो गाइस दूध भी उबल चुका है, आटा मांड के रख दिया, सब्जी छोंक दी है और टाइम 9 बज चुके हैं, बिग बॉस भी चालू होने वाला है, छुम छुम देख सकते हो गाइस। और आज अच्छा लग रहा है, बड़ा बड़ा लग रहा है ऐसा मुझे लिविंग रूम भी। तो चलिए गाइस, तो गाइस सिर धोया था तो अभी बाल भी नहीं, चुन्नी रख के बस सब्जी छोंक दी मैंने सर पे, आटा मांड के फिर अब मैंने बांध लिए बाल पीछे को, क्या है इसको देखो गाइस पता नहीं क्या है। तो चलिए गाइस अब बाल वगैरह तो सुबह ही सुलझाऊंगी, फटाफट उठना पड़ेगा, 8:30 बजे लोग आ जाएंगे यहाँ पे चिट्ठी के लिए, तो सुबह मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा जब जाके मेरा जो सुबह का काम हो जब निपटेगा। तो चलिए गाइस सब्जी वब्जी बन जाए फिर मिलते हो आपको। तो गाइस सब्जी बन चुकी है, आटा बन चुका है और सब्जी भी बन गई है और सब्जी यहाँ कर दिया मैंने ठंडी, छारवी को देखो कितना चिल्ला रहा है। तो चलिए गाइस सब्जी ठंडी हो जाए फिर बनाती हूँ रोटी। तो गाइस सब्जी बन चुकी है, आटा बन चुका है और सब्जी भी बन गई है और सब्जी यहाँ कर दिया मैंने ठंडी, छारवी को देखो कितना चिल्ला रहा है। तो चलिए गाइस सब्जी ठंडी हो जाए फिर बनाती हूँ रोटी। तो गाइस मैं बना रही हूँ रोटी, तन्नू पापा ने खा लिया, अब सोनिया तन्नू ने अपने लिए पिज्जा बर्गर मंगा लिए थे, तो बस यहाँ बना रही हूँ मैं अपने लिए और छुन छुन के लिए, तन्नू पापा खा चुके हैं और यहाँ बन रही है फूली फूली रोटी देख सकते हो गाइस। तो चलिए गाइस आउच मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस मैं जा रही हूँ नीचे गेट बंद करने, तन्नू पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो यूँ कह रहे खुद ही बंद करें आप। चलिए गाइस उफ धूल इतनी उठती है ना बहुत ज़्यादा, तो चलिए गाइस पहले गेट बंद कर देते हैं। तो गाइस गेट कर दिए हैं बंद और अब लाइट भी कर देते हैं ऑफ, कीड़े बहुत आते हैं, लाइट भी ऑफ कर दी है, अब ये वाला गेट और बंद कर देते हैं, छिपकली पिपकली आ रहती है बाप बाप। तो चलिए गाइस ये वाला गेट बंद हो गया, अब मैं जा रही हूँ ऊपर और मैं आ चुकी हूँ ऊपर गेट बंद करके।